अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा ब्लॉग है मियां नूर मोहम्मद कलोड़ो, जहां हम पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं मियां नूर मोहम्मद कलोड़ो की मज़ार अकदस, जो कि मोरो में वाकई है। मियां नूर मोहम्मद कलोड़ो सिंध के बादशाहों में से एक बादशाह थे, जिन्होंने सिंध पर 30 से 35 साल हुकूमत की और उनकी वफात के बाद उन्हें यहाँ मदफन किया गया। उसके बाद ये कब्रिस्तान की शक्ल में आ गया, जो कि बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है मोरो में, ये आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान है और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है मोरो में, जहाँ पर काफ़ी जैसे कहा जाए कि जरदारी बरादरी है जो यहाँ पर मदफन है इस कब्रिस्तान में। और हम आपको दिखाएंगे ऊपर से इसका नज़ारा, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और बहुत ही कदीमी इमारत है आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस मज़ार के अंदर से रास्ते बने हुए, ये अब हम और ऊपर जा रहे हैं आपके सामने, ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं दोस्तों। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ऐसा कहा जाए कि हम तीसरी बिल्डिंग पर पहुंच चुके हैं बिल्कुल ऊपर। बहुत ही ये आप देख सकते हैं ऊपर से नज़ारे, बहुत ही कदीमी है आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही पुरानी इमारतें हैं ये, और ये कदीमी कब्रिस्तान है और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है मोरो में। मियां नूर मोहम्मद कलोड़ो के नाम से ये कब्रिस्तान है और बहुत बड़ा कब्रिस्तान, जो इसकी हिस्ट्री इंशाल्लाह वो भी आपको इसके शुरू में और एंड में हमने दे दी है, आप देख लीजिएगा इसका जो कैप्चर निकाल लिया हमने।